हार्दिक पांड्या बने कप्तान, टीम इंडिया की बढ़ा दी शान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, इस वक्त हार्दिक पांड्या की कप्तानी की लगातार चर्चा है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी की लगातार तारीफ हो रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने कप्तान बनते ही कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनको देखकर हर कोई हैरान है। हार्दिक पांड्या के ऐसे फैसले जो रोहित शर्मा नहीं लेते थे, रोहित शर्मा के कुछ फैसले जिन्हें हार्दिक पांड्या ने तोड़कर अपने नए मुकाम तक हार्दिक पांड्या उन फैसलों को ले गए। जाहिर तौर पर हार्दिक पांड्या की इस वक्त तारीफ हो रही है, रोहित शर्मा से बिल्कुल उलट हार्दिक ने कुछ फैसले लिए हैं जिन फैसलों की इस वक्त चर्चा है। सबसे पहले फैसले के तौर पर दीपक हुड्डा। जी हां, दीपक हुड्डा को के ऊपर रोहित शर्मा भरोसा नहीं जता रहे थे। रोहित शर्मा दीपक हुड्डा को ना बल्लेबाजी के लिए मौका दे रहे थे, ना गेंदबाजी के लिए मौका दे रहे थे। और जब जब दीपक हुड्डा को टीम इंडिया में मौका मिला, दीपक हुड्डा से रोहित शर्मा ने गेंदबाजी नहीं करवाई। उस वक्त भी इस तरीके के सवाल खड़े होते थे कि आखिर रोहित शर्मा दीपक हुड्डा से गेंदबाजी क्यों नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या कप्तान बने, हार्दिक पांड्या ने दीपक हुड्डा को मैदान पर उतारा, गेंदबाजी करवाई और दीपक हुड्डा ने अपनी काबिलियत दिखाई। 4 बड़े विकेट पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ लेकर दिखाए। तो जाहिर तौर पर यह रोहित शर्मा का जो फैसला है, यह कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के इस फैसले के उलट हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया और उसमें कामयाबी हार्दिक पांड्या को मिली है। उसके बाद में दूसरा फैसला, यजुवेंद्र चहल को T20 विश्व कप में ना खिलाना। यजुवेंद्र चहल जैसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज पे रोहित शर्मा ने भरोसा नहीं जताया, उन्हें लगातार बाहर रखा और उसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा, टीम इंडिया बाहर हो गई। लेकिन जैसे ही कप्तान हार्दिक बने, हार्दिक ने यजुवेंद्र चहल को टीम में बुलाया और बुलाते ही यजुवेंद्र चहल ने कमाल करके दिखाया। तो यहां पर रोहित शर्मा के इस फैसले के उलट हार्दिक पांड्या ने फैसला लिया और उसका हार्दिक पांड्या को फायदा हुआ, टीम इंडिया को फायदा हुआ। और तीसरा जो फैसला था वो था मोहम्मद सिराज को टीम में लेना, क्योंकि मोहम्मद सिराज को लेकर भी T20 विश्व कप में बातें की जा रही थी कि मोहम्मद सिराज को टीम में ले जाना चाहिए था, टीम में खिलाना चाहिए था। लेकिन रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज पर भी भरोसा नहीं जताया था। लेकिन जब हार्दिक कप्तान बने तो हार्दिक ने मोहम्मद सिराज को टीम में बुलाया और मोहम्मद सिराज ने विकेट चटकाकर टीम को जिताया। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या का यह फैसला भी टीम इंडिया के काम आया और इस फैसले की भी तारीफ हो रही है। तो ये जो फैसले हैं, कहीं ना कहीं इन फैसलों की तारीफ हो रही है, रोहित शर्मा के फैसलों के बिल्कुल उलट हार्दिक पांड्या चल पड़े हैं। और यकीनन हार्दिक पांड्या के फैसले आने वाले T20 विश्व कप में टीम इंडिया को चैंपियन बनाएंगे, टीम इंडिया को जिताएंगे और इन फैसलों के दम पर टीम इंडिया अब आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हार्दिक पांड्या की जो सोच है वो रोहित शर्मा से बिल्कुल उलट है और उसका नतीजा अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका हार्दिक पांड्या के इन तीनों फैसलों पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोहित और हार्दिक की कैप्टनसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।